नवाबों का शहर लखनऊ। दिस प्लेस oozes ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर एंड delicious people. When I think of Lucknow, there is not just one thing that comes to my mind, but an array of stuff to explore and learn about. Driving through the empty roads, I remember the time when I was a kid and was always excited to roam the busy streets of Aminabad or Hazratganj. या फिर इदरीस की बिरयानी का जायका लेने चौक जाने की जिद करना। तो चल पड़े हम फिर से लखनऊ के रंग में रंगने और आपको लखनऊ के थोड़ा और करीब लाने। Good morning guys, this is Devanjali and you're watching Being Ghumakkar. So today is my day one in Lucknow. और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक कप चाय के साथ. So my plan for today is basically exploring the historical monuments in Lucknow. Stay tuned and keep watching to know about the importance of the historical structures, beautiful historical structures that are built here. आई एम इन लखनऊ फॉर टू डेज और मैंने बहुत कुछ प्लान किया है यहाँ पे घूमने का, खाने पीने का. आई डोंट नो खाने पीने वाली मार्केट हो पाएगी या नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कोर्स. सो आई लेफ्ट फॉर लखनऊ फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 554 किलोमीटर्स और समथिंग. तो आप ताज एक्सप्रेस वे ऑप्ट कर सकते हैं, वो बहुत ईजी रास्ता है अगर आप बाई रोड आ रहे हैं लखनऊ. एंड यू कैन टेक ब्रेक्स क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉप्स बने हुए हैं रास्ते में जहाँ आप रुक के कुछ खा पी सकते हैं. एंड इट इज़ क्लीन एंड एवरीथिंग. यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल्स टू प्री बुक योर रूम्स. तो आज यहाँ से आई विल बी स्टेइंग फॉर टू डेज इन लखनऊ. तो यहाँ से आप दो दिन लखनऊ के जितने इम्पोर्टेंट जगह हैं वो मेरे साथ विटनेस करेंगे. Hope that you like this video. So if you like the video, please comment and please subscribe the channel. I'll be telling you more and more about the city and the historical places here. So I'll be enjoying my cup of tea first with this beautiful view from my hotel, and then I'll take you to explore the city. फाइनली अपने होटल से अब निकल चुकी हूँ और मेरा फर्स्ट स्टॉप है बड़ा इमामबाड़ा,
जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था, पर अब जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत धूप निकल चुकी है। आई जस्ट होप कि वहाँ पहुँचने तक फिर से मौसम ठीक हो जाए और हमें ज़्यादा ट्रैफिक भी ना मिले, ताकि कम टाइम में हम वहाँ पहुँचें। सी यू देयर। The capital city of Uttar Pradesh has many things to offer. From the picturesque monuments, awesome food and the heritage, Lucknow has everything to mesmerize you. The modern day Lucknow is an amalgamation of the ancient and the new. You will find the Mughal day architectures that have been preserved very delicately and protected till now in the older parts of Lucknow. अपने होटल से निकलकर जैसे ही मैं हुसैनाबाद एरिया में दाखिल हुई, दूर से ही मुझे इमामबाड़ी की मीनारें दिखने लगी। लखनऊ के नवाब आसफ़ुद्दौला को आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था और कहा यह भी जाता है कि वो काफ़ी जेनरस भी थे। जब लखनऊ में सूखा पड़ा था, तब लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए नवाब साहब ने ये इमारत बनवाई। दिस सिचुएशन हेल्प्ड द पीपल ऑफ लखनऊ टू रिकवर फ्रॉम द इमरजेंसी। The entire Imambada complex consists of the Bada Imambada, Masjid, Bhul Bhulaiya, Shahi Bauli and Rumi Darwaza. Rumi Darwaza is another masterpiece created as gateway to Imambada. As you can tell by the name itself, Rumi Darwaza is a tall gateway that was built under the rule of Nawab Asafuddaula. This gateway stands between the Chota Imambada and the Bada Imambada and is one of the busiest tourist spots of Lucknow. The beautifully constructed gate stands as a signature structure of Lucknow. Fit for a royal welcome, this gate is also known as the Turkish Gate. ये रोमी गेट जो है, रोमी दरवाज़ा, ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की, और ये मौलाना रोम जो थे कॉन्स्टेंटिनोपल में, उनके नाम से ये है। द सिटी इज फुल ऑफ सिग्निफिकेंट स्पॉट्स लाइक द बारादरी, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी, वॉच टावर, भीमराव अंबेडकर पार्क। वन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस इज द रेजिडेंसी। रेजिडेंसी इज बेसिकली द रूइंस ऑफ अ वंस ब्यूटीफुल एस्टैब्लिशमेंट दैट हाउस्ड द ब्रिटिश जनरल। I'm at the residency in Lucknow, which is another popular tourist spot of this place. This residency was built basically for the British general who were posted in Lucknow during that time. So to enter the place, you'll first have to get the tickets from the counter over there. So I'll go and get the tickets now and then see you inside. The residency complex has many buildings that are now turned into ruins. The view is a mix of the grand life led by the British and the freedom struggle of the Indian natives. This complex consists of the main building, the treasury, the banquet hall, mosque, other buildings dedicated to different officers and a museum. So basically the story of this place is that it was built by, the construction was started by Nawab Asafuddaula and was completed by Nawab Saadat Ali Khan. It was basically built for the British residents jinki posting Awadh mein hoti thi, aur according to requirement the buildings were added in the campus. So it is a beautiful place. As you can see the ruins here, aap imagine kar sakte ho jab ye actual फॉर्म में था तब ये कितना खूबसूरत होता होगा, बिकॉज अभी भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो इफ़ यू आर इन लखनऊ, यू शुड डेफिनेटली पे अ विजिट टू द रेजिडेंसी। द रुइंस वर मेड आफ्टर द फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टेड अटैकिंग द रेजिडेंसी। तो क्रांतिकारियों के हमले के बाद ज़्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ पे ख़राब हुई हैं। यहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं बिल्डिंग्स पे,
जो आप वीडियो में देख सकेंगे। तो उसके बाद इस कैंपस को ASI ने प्रोटेक्ट किया फॉर द टूरिस्ट्स टू नो द हिस्ट्री। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। Bullets and cannons knocked the place down, but you can know all about the history of the place when you visit the museum. The museum showcases every detail of this grand structure and the people who resided here. Lucknow ko yahan ki tehzeeb, bhasha, values, culture in sab ke liye jana jata hai. इस शहर में वो सुकून है जो आपको किसी दूसरे शहर में नहीं मिलेगा। यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में भी एक ठहराव है। शामे अवध के बेहतरीन किस्से हर जगह मशहूर। आखिर क्या है शामे अवध? लखनऊ जो है दो किस्म से शामे अवध, एक तो परिक्रमा जो होती थी वो यहाँ आके ख़त्म होती थी, एक तो वो स्पिरिचुअल उसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, दूसरी ये चौक का बाज़ार है। यहाँ पर जो तवायफ़ों के कोठे होते थे उसमें बड़ी आला पैमाने की तवायफ़ें होती थीं जो कि बहुत जानकार होती थीं, वो उस्तादों से सीखे हुए होती थीं, वो मुजरा करती थीं, वो भाव बताती थीं। तो उस ज़माने में रौसा शरफा वो उनके कोठों पर मुजरे सुनने के लिए जाते थे। वो अपने सवारियों से आए, टमटम से आए, फिटन से आए, घोड़े पाए, और वो ज़र्फ पर कपड़े पहने हुए हैं और गजरे उनके हाथ में पड़े हुए हैं, वो मुअत्तर हैं। और चौक का बाज़ार जो था वो सजावा होता था, हुक्का बरदार जो हैं वो हुक्का पिला रहे हैं, आबदार जो हैं वो पानी पिला रहे हैं, फूल वाले जो हैं वो गजरे बेच रहे हैं, इत्र वाले इत्र बेच रहे हैं। और जब आप गोल दरवाज़े से एंटर होते थे तो आपको तबले की थाप, हारमोनियम का लहरा, वो गज़ल की सुरीली आवाज़, वो घुंघरू की झनकार वो सब सुनाई देती थी और ये सब महफिलें होती थीं। तो ये शामे अवध, इसलिए इसको यहाँ कहा जाता है। डे टू ऑफ माई ट्रिप हैज बिगन और मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ। आज मैं निकल पड़ी हूँ लखनऊ की गलियों को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। सुबह की शुरुआत चाय से बेहतर क्या होगी, और चाय अगर शर्मा जी की हो तो बात ही कुछ और है। तो डे टू का मेरा पहला स्टॉप है लखनऊ का फेमस टी स्टॉल शर्मा जी की चाय। When I was a kid, I used to visit my uncle here in Lucknow, and the early morning stroll to शर्मा जी की चाय was something that I always looked forward to. So I'm here at शर्मा जी की चाय again to relive the experience. This shop has been famous since it started serving tea in 1959. The three generations of this family have dedicated themselves into serving their love to the people of Lucknow in the form of tea, and are getting the same in return. People gather here in huge numbers to enjoy tea accompanied by delicious bun makhan and round samosa. What makes Sharma ji ki chai special is the humble nature, simplicity and the honesty of the owner towards his work. हमें चाय को पसंद करते हैं, हमें बन मक्खन को पसंद करते हैं, हमें समोसे को ना पसंद करते हैं। फेमस तो जनता ने किया है, हमने थोड़ी फेमस किया है। बिल्कुल, क्या तो आपकी शॉप की खासियत यहाँ की चाय और बन मक्खन और समोसा है? जी, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट आप उसमें ऐसा डालते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो आप मसाले सब इस्तेमाल करते हैं हम वही इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ उसमें स्पेशल नहीं है, एक तो हर चीज नॉर्मल है। मतलब जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वही। यू कैन एंजॉय द चाय एंड बन मस्का फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 7:30 इन द इवनिंग ऑन वीकडेज, बट इफ यू प्लान टू विजिट ड्यूरिंग वीकेंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड एज द शॉप रिमेन्स क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन।
evenings of Lucknow are the most beautiful. The monuments are lit up beautifully. Markets are a treat to the eyes. You can sense the excitement and joy of people by the hustle and bustle on the roads. After knowing so much about the history of Lucknow, I wanted to know about the famous art of the city, the chikankari art. So I reached Lucknow's most popular market, Hazratganj. लखनऊ आए और चिकनकारी आर्ट नहीं देखा तो क्या किया. तो मैं पहुंच गई हूं हज़रतगंज, विच इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट्स इन लखनऊ. यहां पे आपको काफ़ी बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स भी मिलेंगे और लोकल शॉप्स भी मिलेंगे जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं. तो मैं भी पहुंच गई हूं लखनऊ चिकन पैलेस कुछ शॉपिंग करने. The chikankari art is one of the most ancient and intricate art forms of Lucknow. This traditional art is known to have been introduced by the Mughals. This embroidery needs complete focus and perfection. The stitching pattern shows the skill of the artists who work manually to prepare a beautiful and rich garment. There are various kinds of chikankari designs that are inspired from the past and are loved in all parts of the country because of its uniqueness. हज़रतगंज जाते ही एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी. यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, सड़क के किनारे लगी दुकानें जो लाइटों से जगमगा रही थी, इन सब के बीच में पहुंची लखनऊ के सबसे पुराने फूड जॉइंट रॉयल कैफे. रॉयल कैफे इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफेज ऑफ लखनऊ, विच इज फेमस फॉर इट्स बास्केट चाट. बास्केट चाट इज मेड इन अ क्रिस्पी पोटैटो बास्केट which is overloaded with many ingredients like aloo tikki, papdi, bhalle, chole, curd and different kinds of spices and chutney. You should definitely try this when in Lucknow. Meri aakhri raat is shahar mein bahut hi yaadgar guzri. Hazratganj mein thoda aur waqt bitane ke baad I left for my hotel. Lucknow se jaane ka man to nahi tha, par is baar ke liye alvida to kehna hi tha. So I left taking with me the feeling of satisfaction and affinity after a long time with the promise to return again.